Let's quickly cut across and listen into Prashant Kumar, ADGP Law and Order. सरकार की अपराध और अपराधियों तथा माफियाओं के उन्मूलन के प्रति जो प्रतिबद्धता है, इससे सभी आप सभी अवगत हैं। सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं, जिससे आप सभी अवगत हैं। चौबीस फरवरी को एक बड़ी घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण गवाह उमेश पाल की हत्या, गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग एवं बम फेंक के की थी। इसमें हमारे दो बहादुर साथी भी, जो कि उस गवाह की सुरक्षा हेतु लगाए गए थे, घायल हुए और बाद में शहीद हुए। उस समय से उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया था तथा समय समय पर इसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं। इस घटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण पांच लोग पहचाने गए थे, उन पे पहले स्थानीय स्तर पे, फिर पुलिस महानिदेशक के स्तर पे 2.5 लाख का इनाम तथा उसके बाद शासन स्तर पे 5-5 लाख के इनाम घोषित हुए थे। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसमें अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फॉर करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी लेके टीम दो महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी तथा साबरमती तथा बरेली से, जो इसमें दो साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में
24/2/23 को जो दो अभियुक्त जिनको आपराधिक कृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके अतिरिक्त उस टीम में दो निरीक्षक, एक उप निरीक्षक, चार मुख्य आरक्षी, पांच मुख्य आरक्षी तथा दो कमांडो भी शामिल रहे हैं। इन कर्मियों का नाम हम प्रेस विज्ञप्ति के रूप में अभी आपको जारी करेंगे और आगे भी अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाए में आगे भी कार्य करेगी। समय समय पे जो भी उपलब्धियां होंगी वो आप सभी साथियों के साथ हम शेयर करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे एसटीएफ के जो साथी हैं जिन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में और इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में जो एक अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सभी बधाई के पात्र हैं और इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और शासन स्तर से इस मुठभेड़ में शामिल सभी व्यक्तियों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है और ये अपेक्षा की गई है कि इसी तरीके से आगे और भी जो अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी अभियान में सभी हमारे बहादुर साथियों का साथ रहेगा। धन्यवाद। जब उस तरह की चीजें आएंगी तो अभी से चीजें पहले से लोग प्रकार इसको प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई सत्यता है, लेकिन अगले क्षण अगर कुछ चीजें हो जाएंगी तो हम आपको अवगत कराएंगे। और मैंने आपको उनके सभी मंसूबे बता दिए हैं, जो चीजें प्रेस के साथ शेयर करने लायक हैं, अन्य चीजें अभी ये घटना लगभग 1:15 बजे की है तो चीजें धीरे धीरे और हमारी टीम मौके पे है, स्थानीय पुलिस भी आगे की जो कार्रवाई है इस संबंध में जो PUCL के गाइडलाइंस हैं मुठभेड़ के संबंध में उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं और जो भी डेवलपमेंट होगा वो मैं पुलिस की जो अपनी ग्रुप है उसमें हम डालेंगे और आवश्यक होगा तो आपको बुला के भी अवगत करा गए। इस प्रकार से लगभग अब तक पुलिस मुठभेड़ों में 183 बदमाश मारे जा चुके हैं तथा इस दौरान हमारे 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। धन्यवाद। आपने कहा था कि वो अतीक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्या
मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ऐसी सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। और क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी इसका अनुश्रवण कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है। नहीं, जो मैंने बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस तरह के सूचनाएं थी कि इनको इनके कॉन्वॉय पे हमला करके पुलिस वालों को ओवर पावर करके या उस अटैक में वो कुछ भी कर सकते थे, ये अपने बदमाश को छुड़ा सकते हैं। जी नहीं, ये चीजें तो अभी विवेचना चल रही है और उनके लिए पुलिस कस्टडी रिमांड का प्रयास किया जा रहा है। जब हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसको देखते हुए हम इस चीजों को पूरा, जब अभी हमारी विवेचना कंक्लूड नहीं हुई है और गुलाम का लगभग 8 आपराधिक इतिहास है, ये भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और इसके नहीं, ये तो ऑपरेशनल डिटेल की चीजें हैं। अब हमारी तैयारी ऐसी थी कि वो कॉन्वॉय पर अटैक नहीं कर पाए। धन्यवाद। नहीं नहीं, वहां जहां पर मुठभेड़ की सूचना है, मैंने आपको बताया कि ये थाना क्षेत्र बड़ा गांव में परीक्षा बांध है, वहां पर ये मुठभेड़ हुई। जब आएगी तो सूचना आपको देंगे। जी वो आपको भी मिल जाएगा। थैंक यू। 2017 से जो मैंने अपने नंबर बताया, तो हाँ हम आपको दे देंगे। किनके? नहीं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर जवान थे। नहीं नहीं, ये तो रूट है, वो रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी कारण से रुक सकते हैं, किसी नेचर कॉल के कारण रुक सकते हैं, हो सकता है कि कोई किसी को कुछ खाना हो, किसी को कोई और कार्रवाई करे। झांसी एक बड़ी जगह है, वहां पे उस तरह की सुविधा है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी टीम पूरी तरीके से इक्विप्ड थी, आपको बताया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अभी मैंने कहा कि हमारे लोग वहां अभी FIR दर्ज करा रहे हैं, पोस्टमार्टम होगा, सभी चीजें जो PUCL की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से किया जाएगा, फिर आपको हम अवगत। धन्यवाद। किसका? नहीं, उनको पर्याप्त सुरक्षा उनके घर वालों को दी गई है, उनके पास पहले से। धन्यवाद।